ओके वन यस 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 गुड इवनिंग गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग सब लोग तैयार, सभी का स्वागत। हम भी देखें जी, सभी का स्वागत तो कर दिया, आवाज आ रही है ना? यस यस यस, पहले ऐड आती है फिर आवाज आती है। तो चलिए जी, हमारे साथ वो सब लोग जुड़ चुके हैं जो कल भी थे, और आपको पता है कि हम क्या करने वाले हैं, पता है ना? करेक्ट। तो ये है स्पेशल वो कैप क्लास। कल हमने कुछ वर्ड्स किए थे, हर 5 वर्ड के बाद आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था। आज थोड़ा सीन अलग है, आज हम एक नहीं 5 क्वेश्चन पूछेंगे। पहले आपको कराएंगे कुछ वर्ड्स, फिर 5 क्वेश्चन, और उसके बाद आएंगे हम आज के सिनोनिम्स पर। कम ऑन गाइस, रेडी 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 रेडी। यस, बच्चे हैं तैयार। आई कैन सी इन द लाइव चैट, सब लोग तैयार। कम ऑन, यस, इज द वॉइस, इज द वॉइस, लेट मी चेक प्लीज। अच्छा, मुझे कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि हम हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जंप लेना चाहते हैं, क्या इस कोर्स का फायदा होगा। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं क्या ये सारे वर्ड यूपीएससी में दिखेंगे, उसका फायदा होगा। भाई मैं आपको सारे वर्ड्स कराऊंगा जो यूपीएससी में आते हैं, याद रखिएगा। पूरी डिक्शनरी है, जीआरई बैरिन, वो मैं यहां पर करवाने वाला हूं आपको तैयारी। आपको कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो मैं करा रहा हूं दैट इज मोर देन इनफ। बस विश्वास रखिएगा, थोरली करिएगा, डिसिप्लिन में रहिएगा और अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सभी लोग तैयार, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जिन लोगों ने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है, गुड इवनिंग। चलिए लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। आज के वर्ड, हर वर्ड के लिए एक पिक्चर। मैं आपको कल का कुछ याद दिलाता हूं, कल आपने क्या पढ़ा था याद दिलाए। वोकैबुलरी में कल आपने क्या पढ़ा था, मैं आपसे कुछ वर्ड्स पूछ रहा हूं, जल्दी बताओ। गेल से क्या याद आ रहा है, गेल, GALE, गेल, जल्दी बताओ। गेल गेल गेल, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। गेल से आपको क्या याद आ रहा है बच्चों, जल्दी बताओ। गेल से क्या याद आ रहा है, मैं पूछता हूं जी। नंबर 1 पे आपने किया था GALE, गेल का क्या मतलब है, जल्दी बताओ। गेल से क्या याद आ रहा है, अरे वाह मजा आ गया जी, मजा आ गया। तूफान, स्टॉर्म, तूफान, स्टॉर्म, टेम्पेस्ट, ये है मजा हमारी वोकैब का। एक और पूछूं, नंबर 2 पे बताइए जी, क्वैफ से क्या याद आ रहा है, CUAFF, क्वैफ, बताओ बच्चों क्वैफ से क्या याद आ रहा है, क्वैफ, 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 क्वैफ से याद आ रहा है हमें हमें हमें, अरे वाह पीना, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। मुझे लग रहा है आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है, वैसे पूछ लेता हूं। अच्छा, मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा है ना, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं मैंगल मैंगल मैंगल, 3 नंबर पे मैंगल 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 से क्या याद आ रहा है, कल पढ़ाया था मैंगल 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 मंगल पांडे मैंगल मंगल पांडे मैंगल 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 मैंगल, तोड़फोड़ तबाही, तोड़फोड़ तबाही। आपको कल के वर्ड्स याद हैं जी, आपको कल के वर्ड्स याद हैं। अच्छा, अब एक और चीज पूछें जी आपसे, एक खास चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं। थिंक ओवर, यानी कि विचार करने के लिए आप एक ही लाइन में कोई 2 या 3 वर्ड टाइप करो, जल्दी मैं देखना चाहता हूं। एक ही लाइन में 2 या 3 सिनोनिम, थिंक ओवर, विचार करना, कल पढ़ाया था मैंने, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। थिंक ओवर, विचार करना के लिए एक ही साथ 3 वर्ड टाइप करो, कोई 3 वर्ड, 2 या 3, 2 या 3, शुरू से शुरू करना। पहला वर्ड क्या था, कल के वर्ड पूछ रहा हूं, कल के सिनोनिम्स मैं देखना चाहता हूं कमेंट्स में बच्चों को कितना याद है। थिंक ओवर, विचार करना, च्यू ओवर, पॉन्डर, बिल्कुल सही कहा, च्यू ओवर, पॉन्डर, बिल्कुल सही कहा, म्यूज, रिमिनेट, पॉन्डर, रिवरी, पॉन्डर। अरे वाह, देखो जी कमेंट्स देखिए, लाइन लगा दी बच्चों ने, तो हमारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं, परंतु इन्हें चाहिए सिर्फ एक इंजेक्शन, जो देने के लिए मैं यहां पर आया हूं 8:30 बजे, कल भी आऊंगा।
कम ऑन गाइस, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों ने आज हमें लेट ज्वाइन किया है, सुन लीजिए सभी सुन लीजिए, मैं अभी आपको कुछ वर्ड्स कराऊंगा, उसके बाद आपका 500 नंबर का टेस्ट होगा। कितने का? 500 मार्क्स। डर गए? बता देता हूं, मैं आपसे 5 क्वेश्चन पूछूंगा, 5, एक क्वेश्चन इज इक्वल टू 100 मार्क्स, 500 नंबर का टेस्ट होगा। रेडी गाइस? 500 में से 500 लाओगे मजा आ जाएगा, आपको याद रह जाएगी ये क्लास। 500 में से 500, एक क्वेश्चन 100 नंबर, दो क्वेश्चन 200 नंबर, 5 क्वेश्चन 500 नंबर। 500 में से 500 आए तो अपने घर वालों को बता देना, माँ पिताजी मेरे 500 में से 500 नंबर आए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा ये जो वर्ड मीनिंग है, ये जो वर्ड मीनिंग है हम ये सारे याद कर लेंगे अच्छी तरह ट्रिक के साथ, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं ऑडियो विजुअल टेक्निक। मैं आपको थोड़ा सा कल का याद दिला रहा हूं, वो कैब भी कराएंगे, सिनोनिम्स भी कराएंगे, थोड़ा सा कल का आपको याद दिला रहा हूं। आपको फिल्मों के सीन याद हैं, आपको पता है ये बाहुबली है, आपको पता है, आपको पता है ये करण अर्जुन है, आपको पता है, कल भी दिखाया था मैंने, ये करण अर्जुन है, आपको पता है ये पीके है, आपको पता है, कल बताया था मैंने। आपको फिल्मों के सीन याद हैं, आपको फिल्में पूरी की पूरी याद हैं। अभी मैं कोई गाना गाऊंगा आप बोल देंगे इस मूवी से है, मुझे पता है आप बता देंगे, बट अब मुद्दा ये है कि इसी तरह से वर्ड्स पूरी डिक्शनरी को मुझे आपको याद कराना है। ये सारे वर्ड्स आपकी लाइफ इजी कर देंगे, जॉब तो दिलाएंगे ही दिलाएंगे, मान सम्मान भी तो दिलाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। वर्ड लिखेंगे, उसका मीनिंग लिखेंगे, 3-4 दिन बाद आपको हम पूरी बुक दे देंगे यहां से जी, फिर आपको लिखना ही नहीं पड़ेगा सबको। अभी लिख लेते हैं पूरी डिक्शनरी याद कराने का प्रॉमिस। ये देखिए जी, आज हम करने वाले हैं, ये है आज का पहला वर्ड, लिख लो एक्स्ट्रा पेट, लिख लो जी एक्स्ट्रा पेट, एक्स्ट्रा पेट, लिखो लिखो एक्स्ट्रा पेट। एक्स्ट्रा पेट का मीनिंग है वेस्ट करना, वेस्ट करना, व्यर्थ करना, एक्स्ट्रा पेट। स्पेलिंग देख के लिखिए, एक्स्ट्रा पेट, व्यर्थ करना। हाय अनन्या, हाउ आर यू? आई एम फाइन। सभी लोग ठीक ठाक? अच्छा मैं देख रहा हूं सभी ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, कंजूसी दिखा रहे हैं सब, कंजूसी दिखा रहे हैं, कम ऑन। सो गाइस कंजूसी मत दिखाइए, कंजूसी मत दिखाइए, हम देख पा रहे हैं बहुत से बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक ही नहीं किया, तो कर देना आराम से कर देना जब दिल करे। एक्स्ट्रा पेड का मीनिंग है वेस्ट, टू वेस्ट, एक्स्ट्रा पेड। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, देखो एक्स्ट्रा पेट, पेट पेट, एक्स्ट्रा पेट अगर हो जाए तो हम कह रहे हैं इसका मीनिंग कम करना है, कम करना है, वेस्ट करना कम करना। आप हिंदी में लिखिए कम करना, एक्स्ट्रा पेट रिड्यूस या रिमूव, कम करना, कम करना, वेस्ट ना लिखिए कम लिखिए, एक्स्ट्रा पेट को एक्स्ट्रा पेट कर दो। ये अंकल का पेट ना एक्स्ट्रा हो गया, उसे कम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा पेट को एक्स्ट्रा पेट कर दो, एक्स्ट्रा पेट को एक्स्ट्रा पेट कर दो। लिखिए लिखिए लिखिए, एक्स्ट्रा पेट को एक्स्ट्रा पेट कर दो, खुल खुल, एक्स्ट्रा पेट को एक्स्ट्रा पेट कर दो। आप में से जो बच्चे आज पहली बार आए हैं आपको बताएंगे, ये क्लास का सिलसिला हमने कल से शुरू किया है, आज की क्लास भी देखिए, कल की भी देखिएगा, फायदा होगा पक्का। और जो यहां पर कल थे वो आपको बता सकते हैं वाकई फायदा होगा या नहीं होगा, ठीक है जी। तो एक्स्ट्रा पेट को एक्स्ट्रा पेट कर दो, कम कर दो, कम कर दो, एक्स्ट्रा पेट को एक्स्ट्रा पेट कर दो, कम कर दो। जब आपको बोलना पड़ता है ना, है ना रुचि जी, सब समझ आएगा, पूरी क्लास करिए पहले। तो एक्सट्रपेट का मीनिंग है कम करना, वी हैव टू एक्सट्रपेट करप्शन फ्रॉम आर कंट्री, हमें अपने देश से भ्रष्टाचार को कम करना है, वी हैव टू एक्सट्रपेट करप्शन फ्रॉम आर कंट्री, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अगला वर्ड है करीन, अगला वर्ड है करीन, नोट करेंगे बच्चों, करीन का मीनिंग
मटकना लहराना, मटकना लहराना, नोट करिए। नंबर टू, आज आपका जो लोग अभी अभी हमें ज्वाइन किए हैं, जिन लोगों ने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है, मैं बता देता हूं, शिवानी तिवारी जी आ जाए, कल की क्लास भी करिएगा। जी हाँ, खुशबू कुमारी जी अभी तो रोज ही हो रही है। करीन का मीनिंग है मटकना। अभी कुछ वर्ड कराने के बाद मैं आपसे पांच क्वेश्चन पूछूंगा। एक क्वेश्चन 100 नंबर का है, पांच क्वेश्चन 500 नंबर के। आपका स्कोर हम जानना चाहेंगे, 500 में से आपका स्कोर कितना है, ये रिकॉर्ड रहेगा यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, ओके। तो करीन का मीनिंग है मटकना। भाई कोई हीरोइन है, कोई हीरोइन करीन, करीन करीन, कल क्वैब से कैटरीना कैफ याद किया था और अब हम कर रहे हैं करीन करीन करीन। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, करीना। देखिए जी, करीना इज करीनिंग, लिख दो, करीना इज करीनिंग। करीना मटक रही है, करीना इज करीनिंग, करीना इज करीनिंग। करीना क्या कर रही है, करीन कर रही है, मटक रही है, लहरा रही है, करीना इज करीनिंग। तो करीन का मीनिंग स्वे भी होता है ना। एंड 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 गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग जो लोग अभी अभी में ज्वाइन कर रहे हैं, गुड इवनिंग। न्यू स्टूडेंट है, आपका स्वागत है। कन्हैया कुमार, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, ये डन। करीना इज करीनिंग। ओ माय गॉड, गानों से हम सीख रहे हैं इंग्लिश, और क्या चाहिए। नेक्स्ट वर्ड इज स्क्वेंडर, नेक्स्ट वर्ड इज स्क्वेंडर, नेक्स्ट वर्ड इज स्क्वेंडर। स्क्वेंडर का मीनिंग क्या है जी, वेस्ट करना, बर्बाद कर देना। लिखो बर्बाद करना, स्क्वेंडर इज बर्बाद। रुचि जी, ये सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए कर रहे हैं, यूपीएससी, बैंकिंग, एसएससी, एनडीए, सीडीए, सबके लिए आएंगे। अपना कोई सैंपल पेपर खोल के देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। मोकैमो खुश हुआ, बिल्कुल जी हुआ, यस। तो दिस इज स्क्वेंडर का मीनिंग है वेस्ट करना, बर्बाद करना। एंड द लिंक वर्ड इज सिकंदर। सिकंदर ने बहुत पैसा स्क्वेंडर किया युद्ध पर, वॉर पर, बहुत पैसा स्क्वेंडर किया सिकंदर। स्क्वेंडर्ड मनी ऑन वॉर। आफ्ताब जोरावर जी, बिल्कुल सही कहा आपने, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए है ये। सिकंदर हमारा लिंक वर्ड है, इसे लिख के अंडरलाइन कर दो। स्क्वेंडर हमारा मेन वर्ड है, इसे भी अंडरलाइन कर दो। आपको अंडरलाइन जरूर करना है, प्रॉपर नोटबुक बनाइएगा। जो लोग सुस्ती में लेट के कर रहे हैं, सीधे हो जाइए, कम ऑन चुस्त हो जाइए। तो सिकंदर ने बहुत पैसा स्क्वेंडर किया, वेस्ट किया, खर्च किया, बर्बाद किया, याद रहेगा। जो लोग अभी अभी में ज्वाइन कर रहे हैं, मैं बार बार बता रहा हूं, अभी आपका 500 नंबर का टेस्ट आने वाला है, पांच क्वेश्चन पूछूंगा, एक क्वेश्चन की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, 100 नंबर है, 100 नंबर का एक क्वेश्चन है, पांच क्वेश्चन 500 नंबर, गेट रेडी। ये रहा अगला वर्ड सेगेशियस। सेगेशियस का मीनिंग है बुद्धिमान, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। सेगेशियस यानी कि बुद्धिमान, सेगेशियस यानी कि बुद्धिमान। सेगेशियस, रोज शाम को 8:30 हमारी ये क्लास होती है यहीं पर, कम ऑन कम ऑन, यस यस यस, ठीक है ठीक है ठीक है। सेगेशियस का मीनिंग है बुद्धिमान, वाइज, सेज। साग दिखाई दे रहा है, साग, साग सरसों का हो या पालक का हो, ये साग खाने वाले सेगेशियस होते हैं जी। लिख दो साग खाने वाले सेगेशियस, साग खाने वाले सेगेशियस, साग खाने वाले सेगेशियस, बुद्धिमान, साग खाने वाले सेगेशियस। साग खाने वाले सेगेशियस होते हैं, डन डन डन, हो गया। अब मैं एक और वर्ड करा रहा हूं, बेलिकोज। बेलिकोज का मीनिंग है झगड़ालू,
बैली को उसका मीनिंग है झगड़ालू। लिखो बच्चों, पांच नंबर पे आज का ये वर्ड। जो लोग लेट आए हैं उन्होंने चार वर्ड मिस किए हैं, अभी रिवाइज करा देंगे। जल्दी जल्दी देखिए। सत्येंद्र सिंह जी, आपके क्वेश्चन का आंसर है यस, हां। आज 500 नंबर का टेस्ट होगा। जो लोग लेट आए हैं अभी 500 नंबर का टेस्ट होने वाला है, गेट रेडी फॉर दैट। झगड़ालू, बैलीकोज, इसे कैसे याद करेंगे भाई? क्वेरल्स हम तो सबको आता ही है, आज सीख रहे हैं। बैलीकोज, बैल दिखाई दे रहा है, बैल, ये देखिए ये बैल है ना भाई साहब, ये बैल बड़ा ही झगड़ालू है, ये बैल बैलीकोज है, ये बैल बैलीकोज है, इससे पंगा मत लेना, ये बैल बैलीकोज है। हाँ जी अस्थाना जी, आपके क्वेश्चन का आंसर है हाँ यस, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है, ये बैल है, बैलीकोज, बिल्कुल सही कहा, लिख लिया जी, ये बैल भी बैलीकोज है। अब मैं आपसे पूछूंगा वो पांच वर्ड जो मैंने अभी अभी आपको पढ़ाए हैं, आपको नंबर टाइप करके बताना है उसका आंसर, पूरा वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको याद है तो बताओ नंबर वन डालकर करीन का क्या मतलब है, जल्दी बताओ इंग्लिश या हिंदी में, जल्दी बताओ करीन का क्या मतलब है। राज टारगेट जी, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, फोन पे पूछिएगा, वोकैबुलरी की बुक हमारी आती है जी, वो आपको देंगे। यहां पर कुछ लोग वोकैबुलरी की बुक के बारे में कह रहे हैं, ये हमारी वोकैबुलरी की बुक आती है, इसमें सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आपको तैयार कराएंगे, और ये बुक की मैं यहां पर आपको पीडीएफ दे दूंगा। आया जी समझ? तो करीन का मतलब बच्चों ने बता दिया, मटकना। नंबर टू टाइप करके बताइए, सेगेशियस का मीनिंग याद आ रहा है आपको, सेगेशियस का क्या मतलब होता है जी? सेगेशियस, सेगेशियस, जल्दी बताइए नंबर टू पे सेगेशियस का मतलब क्या है। नंबर थ्री पे बताइए एक्सटर्पेट का क्या मतलब है। टाइप करना है नंबर, टाइप करना है आपको नंबर, नंबर टू पे, नंबर थ्री पे, एक्सटर्पेट से क्या याद आ रहा है? अभी मैं पांच क्वेश्चन पूछने वाला हूं आपसे। नंबर चार पे टाइप करके बताइए स्क्वेंडर का क्या मतलब है, स्क्वेंडर, 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 टाइप। कुछ नंबर, कुछ लोग ना नंबर टाइप नहीं कर रहे, सिर्फ लिख रहे हैं बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, है ना, झगड़ालू, परंतु नंबर टाइप करके बताइए कौन से क्वेश्चन का आंसर है, मुझे कैसे पता चलेगा। पांच नंबर पे बताइए बैलीकोज, पांच नंबर पे बताइए बैलीकोज का क्या मतलब है। डन जी, डन, अरे वाह मजा आ गया, अपने बच्चे हैं बड़े सेगेशियस, हमारे बच्चे सेगेशियस हैं, ये कभी भी बैलीकोज नहीं होते, ये कभी भी चीजों को स्क्वेंडर नहीं करते, हमारे बच्चे, हमारे बच्चे खुशी के मारे करीन भी करते हैं, हमारे बच्चे फालतू चीजों को एक्सटर्पेट कर देते हैं। आ गया ना समझ? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला वर्ड है मेंडिकेंट, लिखिए 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 मेंडिकेंट। मेंडिकेंट का मीनिंग है बैगर, भिखारी, जल्दी लिखिए। बैगर तो हम बचपन से जानते हैं, आज मेंडिकेंट, नोट करेंगे बच्चों, नोट करेंगे, नोट करेंगे। मेंडिकेंट का मीनिंग है भिखारी, बैगर, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, मेंडिकेंट बैगर, मेंडिकेंट बैगर, मेंडिकेंट, मंडी मंडी मंडी, सब्जी मंडी मंडी, कैंट एक जगह है दिल्ली, कैंट, कैंट कैंटोनमेंट एरिया को कैंट कहते हैं, कैंट की मंडी में हमने क्या देखा जी, बैगर देखा, इन द मंडी ऑफ कैंट मेंडिकेंट, लिखिए जी लिंक वर्ड, लिखिए इन द मंडी ऑफ कैंट मेंडिकेंट, 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 बैगर देखा हमने। अच्छा बहुत से लोगों ने अभी तक कंजूसी बरकरार रखी है, उन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, अगर आपको ये क्लास लाइक करनी है तो जरूर करिएगा, नहीं करनी है तो पक्का मत करिएगा, मैं तो सिर्फ याद दिला रहा हूं, हो सकता है आप भूल गए हो, तो आप चाहें तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कुछ लोगों ने आते ही कर दिया था,
अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो करिएगा, नहीं तो नहीं करना पक्का। ठीक है जी, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम आगे, बढ़ते हैं हम आगे। रेवनस, हंग्री, रेवनस का मीनिंग है भूखा, एक्सट्रीमली हंग्री, नोट करेंगे बच्चों, नोट करेंगे, एक्सट्रीमली हंग्री भूखा, एक्सट्रीमली हंग्री भूखा, हंग्री भूखा, हंग्री भूखा, रेवनस, रेवनस कैसे करेंगे जी? मुझे यहां दिखाई दे रहा है रावण, 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 रावण इज रेवनस, बहुत भूखा है, देखिए रावण बड़ा भूखा है, रावण इज रेवनस, रावण इज रेवनस, बहुत भूखा है, रावण इज रेवनस, बहुत भूखा है, रावण इज रेवनस, बहुत भूखा है रावण, यस यस यस, वेरी गुड। ये कह रहे हैं हम तो आपको भी लाइक करते हैं, आपकी वीडियो को भी लाइक करते हैं, थैंक यू जी, थैंक यू, सेम टू यू, मैं भी आपको लाइक करता हूं और आपकी कोई वीडियो आएगी तो उसे भी लाइक कर दूंगा। रावण इज रेवनस एंड आ गया अगला वर्ड हुलीगन। आपको पता है हुलीगन का मीनिंग, कैन यू गेस? देखिए बच्चों हुलीगन का मीनिंग होता है बदमाश, रास्कल, हुलीगन बदमाश, लाउट रास्कल, हुलीगन, 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 हुलीगन। मुझे तो इसमें दिखाई दे रही है गन, 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 जी हाँ वही तो हमारा लिंक वर्ड है, ये गन वाला आदमी हुलीगन है, ये गन वाला आदमी हुलीगन है, गन हुलीगन, गन हुलीगन, बदमाश, बदमाश, गन हुलीगन, गन हुलीगन, बदमाश, गन से याद हुआ हुलीगन बदमाश। कैट कॉल, आर नेक्स्ट वर्ड इज कैट कॉल। जिन लोगों ने आज हमें लेट ज्वाइन किया है मैं बार बार बता रहा हूं, अभी पांच क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, पांच क्वेश्चन, एक क्वेश्चन की कीमत 100 रुपए नहीं 100 नंबर है, और पांच क्वेश्चन कितने के हुए? 500 नंबर के। आपको आज 500 में से टेस्ट होगा कितने नंबर लाते हैं आप, आज आपसे पूछा जाएगा इस क्लास के एंड में आपका 500 में से क्या स्कोर हुआ। मैं आपसे पांच ब्यूटीफुल क्वेश्चन पूछने वाला हूं इन्हीं से संबंधित, गेट रेडी गाइस, गेट रेडी। कैट कॉल का मीनिंग है आलोचना, जी क्रिटिसाइज तो आपको आता ही है, आज कैट कॉल सीख लेते हैं, क्योंकि कैट कॉल वर्ड बार बार न्यूज़पेपर में द हिंदू में आता है और बच्चों को पता ही नहीं होता, बार बार डिक्शनरी खोल के रट्टा थोड़ा ना मारेंगे, रोज ही खोलते रहेंगे डिक्शनरी, जी आप नहीं खोलेंगे, अब इकट्ठा याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? कैट यानी कि बिल्ली, कैट कॉल कर रही है, किसे कर रही है? मोदी जी को कर रही है, आपने अभी तक हमारे देश की बिल्लियों के लिए कुछ नहीं किया, क्रिटिसाइज कर रही है। कैट इज कॉलिंग एंड शोइंग कैट कॉल, लिखिए जी, कैट इज कॉलिंग एंड शोइंग कैट कॉल, कैट इज कॉलिंग, 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 हो गया जी, तो कैट कॉल, कैट कॉल, कैट कॉल। लो जी एक और वर्ड आ गया कुदोज, कुदोज का मीनिंग है सम्मान, स्टीम, रिगार्ड, ग्लोरी, लिखो कुदोज, 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 कुदोज का मीनिंग है सम्मान, कुदोज का मीनिंग है सम्मान, एस्टीम, रिगार्ड, ग्लोरी। एंड जब आपको कोई खुशी मिलती है, सम्मान मिलता है तो क्या करते हैं हिंदी में? कूदो, 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 खुशी के मारे कूदो, कूदोज मिला है तो खुशी से कूदो। भाई कूदो ये हमारा लिंक वर्ड है हिंदी वाला, ये इंग्लिश वाला मेन वर्ड है, नोट करिए, कूदोज मिला है तो कूदो, 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 कूदोज, कूदो, ये डन हो गया जी, हो गया। तो अब बच्चों आपकी बारी आ गई, पांच वर्ड पूछ रहा हूं आपसे, जल्दी जल्दी बता दो ये पांच वर्ड। अच्छी बात है कि सब बच्चों ने वीडियो को लाइक भी कर दी है, बस 50-60 लोग हैं जो अभी भी लेट आए होंगे, उन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, बाकी बच्चों ने तो वीडियो को लाइक भी कर दिया, अच्छी बात है जी, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। चलिए जानते हैं जी, जानते हैं, एक नंबर टाइप करके बताइए हुलीगन का मतलब याद आ रहा है, जल्दी नंबर वन टाइप करके बताओ हुलीगन, ये टेस्ट नहीं है रिविजन है, टेस्ट अभी होगा 500 नंबर का, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए बच्चों, जल्दी बताइए हुलीगन का मीनिंग है,
आशीष यादव कह रहे हैं मजार है। अच्छा जी, मजा ले रहे हो, ये मैं आपको खोज रहा था जी। अरे क्यों खोज रहे थे, हम तो यहीं पर हैं यार। भाई साहब एक चीज बताओ, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है आप सबसे, बीच में मैं 1 मिनट के लिए आपको, आधे मिनट के लिए, 10 सेकंड के लिए इंटरप्ट कर रहा हूं। हमारी इस क्लास का आपने कल भी की थी, बहुत से हमारे बच्चे कल नहीं आए थे, आज आ गए हैं। मैं उन्हें बोलना चाहूंगा कल की वीडियो देख लेना, 8:30 बजे, कल भी हुई थी, आज भी है, कल भी होगी, परसों भी होगी, याद रखिएगा, है ना। मैं बच्चों से पूछना चाहता हूं आप सबसे, आज ये जो क्लास हो रही है, क्या आपको इसका फायदा मिलेगा, हाँ या ना, यस या नो जल्दी टाइप करो। क्या आपको इस क्लास का फायदा मिलेगा, मैं जानना चाहता हूं। भारत से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंडिया से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या आपको इस क्लास का फायदा मिलेगा, जल्दी बताओ। न्यूज़पेपर रीडिंग में फायदा होगा आपको, क्या लगता है, जल्दी बताओ, यस या नो, यस या नो, जल्दी यस या नो टाइप करने का, यस या नो, जल्दी बताइए। आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग, यस 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 यस, भाई साहब आग लगा दी आग, यस 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 यस, मैं कमेंट्स देख रहा हूं आपके, यस 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 यस, पक्का, थैंक यू वेरी मच। बढ़ते हैं आगे, नंबर 2 पे बताइए क्या आएगा। नंबर 2 वर्ड है मेंडिकेंट, मेंडिकेंट का मीनिंग जल्दी बताओ, नंबर 2 करके, मेंडिकेंट का क्या मतलब है, मेंडिकेंट, मेंडिकेंट। नंबर 3 बताओ, कुदोस, कुदोस, कुदोस का क्या मतलब है, याद आ रहा है, नंबर टाइप करके बताओ, जल्दी 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 जल्दी। नंबर 4 टाइप करके बताओ, कैट कॉल का क्या मतलब है, कैट कॉल, कैट कॉल 4 नंबर पे बताना है आपको, 4 नंबर पे कैट कॉल, 4 नंबर पे कैट कॉल, जल्दी बताओ, 4 नंबर। 5 नंबर रेवनस, रेवनस, रावण इज रेवनस, जल्दी बताओ, 5 नंबर पे रेवनस, हरी अप गाइस, हरी अप, हरी अप, हरी अप, ये हरी अप, सही बोला, सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं, बिल्कुल सही पकड़े हैं। मैं बोल देता हूं, हुलिगन का मीनिंग है बदमाश, मेंडिकेंट बैगर भिखारी है, कुदोस सम्मान, रेवनस एक्सट्रीमली हंग्री भूखा, एंड कैट कॉल का मतलब होता है आलोचना, क्रिटिसाइज। बस मैं 5 वर्ड और करा रहा हूं, फिर टेस्ट आ रहा है। जिन लोगों ने हमें आज लेट ज्वाइन किया है, मैं बता देता हूं, हमारी क्लास 8:30 बजे शुरू हुई थी, 500 नंबर का टेस्ट होने वाला है अभी, 500 नंबर का, जितना मैंने पढ़ाया है इसमें से टेस्ट होगा, 5 क्वेश्चन पूछूंगा, 1 क्वेश्चन 100 नंबर का होगा, 5 क्वेश्चन 500 नंबर के, ईमानदारी से रिप्लाई करना है, देख के रिप्लाई मत करिएगा। और जो लोग लेट आए हैं, इस क्लास को दोबारा देखिएगा बाद में, कल वाली क्लास का अगला पार्ट है ये, अगली थर्ड क्लास कल होगी, 4th क्लास परसों होगी, गेट रेडी गाइस, गेट रेडी। और ये रहा अगला वर्ड, एब्रोगेट, लिखिए लिखिए लिखिए, एब्रोगेट, एब्रोगेट का मीनिंग है कैंसिल करना, रद्द करना, एब्रोगेट का मीनिंग है कैंसिल करना, रद्द करना, एब्रोगेट, एब्रोगेट, एब्रोगेट कैंसिल करना, कैसे, आइए समझते हैं। आपका एग्जाम तो बहुत बढ़िया हुआ, और जब आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आए तो आपका फ्रेंड रो रहा था, उसका भी वहीं पर एग्जामिनेशन हॉल में वहीं सेंटर पड़ा था जहां आपका था, वो पहले पेपर देकर बाहर आ गया था, वो रो रहा था, आपने कहा भाई रो क्यों रहा है, तेरा पेपर तो अच्छा हुआ होगा, मेरा भी अच्छा हुआ है, इस बार तो भाई सिलेक्शन हो जाएगा, हम ऑफिसर बन जाएंगे, यूपीएससी में हो जाएगा सिलेक्शन अपना, तो तू रो क्यों रहा है, कहता है भाई वो देख, कह रहे पेपर लीक हो गया था, पेपर कैंसिल हो गया था, पुलिस आई हुई है, बड़ा पंगा पड़ा है, फिर तो अब ये पेपर ना अगले साल होगा, हमें दोबारा देना पड़ेगा, आपके तो नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरा पेपर तो बहुत बढ़िया हुआ है, वो कहता है भाई मेरा भी बढ़िया हुआ है, तो आप उसे कहते भाई अब मैं क्या करूं, कहता भाई वही कर जो मैं कर रहा हूं, वही कर भाई जो मैं कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, अब रो गेट पे, क्या करे, अब रो गेट पे, क्योंकि पेपर हो गया एब्रोगेट कैंसिल, अब रो गेट पे क्योंकि एग्जाम एब्रोगेट हो गया, अब रो गेट पे क्योंकि एग्जाम हो गया एब्रोगेट कैंसिल। या जी हां, अब रो गेट पे क्योंकि पेपर हो गया एब्रोगेट कैंसिल। एब्रोगेट का मीनिंग है रद्द करना, कैंसिल करना, एब्रोगेट का मीनिंग है रद्द करना, कैंसिल करना, याद रहेगा, याद रहेगा बच्चों, याद रहेगा, लिख लिया, पूरी लाइन लिख ली। अगला देखिए जी, गुफा, गुफा का मीनिंग है खुल के हंसना, ठाके मार के हंसना, जैसे रामायण में रावण हंसता है, रामलीला में रावण हंसता है, हा, 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 हा। कैसे, गले में खराश, ऐसे करके, तो गुफा, अच्छा पहाड़ियों में होती है गुफा, पहाड़ियों में होती है गुफा, और गुफा के बाहर
कुछ लोग खड़े होकर गफा कर रहे हैं, खुल के हंस रहे हैं, लिख दो जी। पहाड़ियों में गुफा होती है ना, गुफा के बाहर कुछ लोग गफा कर रहे हैं। चुटी पाई ईशा, थैंक यू वेरी मच। हा, अंकित कुमार, यस यस यस, सही पकड़े हैं। गुफा के बाहर कुछ लोग गफा कर रहे हैं, पहाड़ियों में गुफा होती है ना, सुरंग गुफा, उसके बाहर कुछ लोग गफा कर रहे हैं। बच्चों गेट रेडी, 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, टेस्ट का समय हो गया है, टेस्ट का समय हो गया है, गेट रेडी। लोकेशियस का मीनिंग होता है बातूनी। नेक्स्ट वर्ड आइए, लिख लो लिख लो। लोकेशियस का मीनिंग होता है बातूनी, लोकेशियस का मीनिंग होता है बातूनी, लोकेशियस, बातूनी, टॉकेटिव, गैरुलस। एक सब्जी होती है लोकी, लोकी लोकी, ये हमारे मोहल्ले में जो लोकी बेचने वाला आता है ना, बड़ा लोकेशियस है, बहुत बातें करता है, काम काम बातें ज्यादा करता है। लिख दो लोकी वाला लोकेशियस। हैरियट मोटिवेशन जी, धन्यवाद। ठीक है, लोकी वाला बड़ा लोकेशियस है, लोकी वाला बड़ा लोकेशियस है, लोकी वाला बड़ा लोकेशियस है। ये वर्ड आपको हमेशा के लिए याद रहेंगे, जैसे कल के 10 किए थे, आज के 15 वर्ड भी याद रहेंगे। कल मैं 20 वर्ड कराऊंगा, परसों 25 कराऊंगा, रोज बढ़ाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, यस। अगर आपको इंक्वायरी करना चाहते हैं हमारे कोर्स के बारे में, कमेंट्स में देख सकते हैं, हमारे फोन नंबर चल रहे हैं, इन पे कॉल कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। फिलहाल नंबर लिख के नोट कर लीजिए, ओजांग एडू ऐप पर हमारी क्लासेस चल रही हैं, ओजांग एडू ऐप। एक चीज और याद दिलाना चाहूंगा आपको, ओजांग सर का एक नया चैनल आया है, ओजांग टून, उसे सब्सक्राइब कर लेंगे, उसमें आपके लिए बढ़िया बढ़िया मोटिवेशनल स्टोरीज हैं। ओजांग टून, TOON, उसे जरूर करेंगे, बहुत फायदा है, बहुत फायदा होगा। और ये देखिए जी, सपल, सपल का मीनिंग क्या होता है, लचीला, फ्लेक्सिबल, लिथे, फ्लेक्सिबल तो जानते ही हैं आप। सपल सपल सपल, सपल का मीनिंग है लचीला, सपल सपल सपल, और मुझे दिखाई दी चपल, चपल इज सपल, लचीली है, जा मर्जी मोड़ो। जूता थोड़ा जिद्दी होता है, चप्पल को तो जा मर्जी मोड़ो, चपल इज सपल, चपल इज सपल, चपल इज सपल। ये चप्पल बड़ी सपल है, बड़ी लचीली है। जो लोग लेट आए हैं वो चाहें तो, अगर दिल करे तो हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, बस टिक करना है। आपके बैंक से पैसे नहीं कटेंगे, पक्का नहीं कटेंगे, आई प्रॉमिस। चप्पल इज सफल, चप्पल यहां पर लिंक वर्ड है। आज का लास्ट वर्ड, टेस्ट शुरू होने वाला है, 500 नंबर का टेस्ट शुरू होने वाला है। ये देखिए जी, सोनोरस सोनोरस सोनोरस, लास्ट वर्ड है आज का, ये मधुर स्वर, मीठी आवाज, रेजोनेंट भी कहते हैं, स्वीट वॉइस तो आपको पता ही है। सोनोरस सोनोरस, मधुर स्वर, सोनोरस, सोनू रस, सोनू निगम की वॉइस में रस है, देखो सोनू निगम की वॉइस में रस है, सोनोरस, सोनू रस सोनोरस, सोनू रस सोनोरस, सोनू निगम की आवाज में है रस, सोनोरस। धन्यवाद जी, डेंजरस बॉय जी, धन्यवाद, आप हमारे फ्रेंड हैं, हम डेंजरस तो नहीं है ना, सही है ना। ओ माय गॉड, राहुल मेहरा कह रहे हैं उनका पैसा कट गया। क्लास टाइमिंग 8:30 की है जी, हमारी क्लास शुरू होती है 8:30 शाम को, कल भी हुई थी, आज भी हुई है, कल भी होगी, परसों भी होगी। गेट रेडी, गेट रेडी गाइस, मैं आपसे पूछने वाला हूं 5 क्वेश्चन, हमारे वर्ड खत्म हुए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये देखिए जी, सपल का मीनिंग फ्लेक्सिबल, चप्पल से याद किया, गुफा गुफा गुफा, खुल के हंसना, गुफा गुफा, सोनोरस सोनोरस, सोनू की आवाज में रस, सोनोरस, मधुर स्वर, एब्रोगेट एब्रोगेट, कैंसिल करना, रद्द करना, एब्रोगेट पे बैठकर ऐसे याद किया था हमने। लोकेशियस लोकेशियस, लोकी वाला लोकेशियस, बातूनी बातूनी, ये थे हमारे वर्ड्स। आ गया क्विज, क्विज का टाइम हो गया है, गेट रेडी। अगर आप रेडी हैं तो रेडी लिख दीजिए, रेडी लिखिए सभी, आप तैयार हैं, रेडी। 500 नंबर का टेस्ट है, 500 नंबर का, 500 नंबर का टेस्ट हो रहा है बच्चों, 500 नंबर का, एक क्वेश्चन 100 नंबर का, 5 क्वेश्चन 500 नंबर, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, गेट रेडी। अगर आप रेडी हैं तो रेडी लिख दीजिए, मैं वेट कर रहा हूं आपके कमेंट्स की। हम शुरू कर रहे हैं अपना क्विज, 5 क्वेश्चन पूछूंगा, एट द एंड ऑफ द सेशन आप मुझे अपना स्कोर बताएंगे 500 में से। एक क्वेश्चन सही हुआ 100 नंबर मिलेंगे, 2 क्वेश्चन सही हुए 200 नंबर, 5 क्वेश्चन 500, 4, 3, 400, 300, रेडी 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 रेडी, सब हैं तैयार,
सब हैं तैयार, सब बच्चे हो गए हैं तैयार, और ये होती है हमारी शुरुआत, ये होती है हमारी शुरुआत। सबने लिख दिया रेडी। मोर रेडी क्या होता है जी? रेडी होता है, एब्सोल्युटली रेडी कह सकते हैं। तो बच्चों एक क्वेश्चन आएगा, ऑप्शंस होंगी, आपको पहले नंबर वन टाइप करना है, क्योंकि अगर आप नंबर वन टाइप नहीं करोगे तो हमें कैसे पता चलेगा आप वन का आंसर दे रहे हैं, टू का, थ्री का, नेटवर्क की प्रॉब्लम से आंसर लेट भी आते हैं। नंबर वन टाइप करके रख लो जल्दी, उसके आगे आपको टाइप करना है ए बी सी या डी। रेडी गाइस, रेडी रेडी, ए बी सी या डी, नंबर वन टाइप कर लीजिए, नंबर वन, नंबर वन टाइप कर लीजिए। मैं जानता हूं सबने हमारी वीडियो को लाइक भी कर दिया है, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। ये रहा क्वेश्चन नंबर वन, 100 नंबर का है, बी सीरियस, चीटिंग मत करना, जहां आपने लिखा हुआ है देखना नहीं है, आपकी ईमानदारी ही सच्ची नीति है। कम ऑन, दिस इज, यू शुड नॉट डैश मनी ऑन यूजलेस थिंग्स। ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। नंबर वन का सही आंसर ए बी सी या डी, नंबर वन का सही आंसर ए बी सी या डी, जल्दी बताओ, ए बी सी या डी, ए बी सी या डी, जल्दी बताओ नंबर वन का सही आंसर। सबसे पहला आंसर आ रहा है, सबसे पहला आंसर आ रहा है जी, सबसे पहला आंसर मुझे मिलेगा अंतिमा दुबे ने सबसे पहले आंसर दिया, ज्योति सिंह नंबर टू पे हैं, निशु नंबर थ्री पे हैं, हर्षिता गुप्ता नंबर चार, अमृत बैठा नंबर पांच। मैं सिर्फ पांच नंबर ही, पांच तक ही गिनूंगा, जो सबसे पहले आंसर करेंगे उनके नाम आपको बताएंगे। सही आंसर है स्क्वेंडर, यू शुड नॉट स्क्वेंडर मनी ऑन यूजलेस थिंग्स, आपको बेकार की चीजों पर पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए। स्क्वेंडर का मीनिंग होता है वेस्ट करना। आपको मिलते हैं 100 में से 100 नंबर। अगर आपका स्कोर सही है तो अपने पास लिख के रख लो, यहां मत बताना, यहां एंड में बताना। गेटिंग गाइस, गेटिंग। अब मैं आपसे पूछने वाला हूं क्वेश्चन नंबर टू, गेट रेडी गाइस, क्वेश्चन नंबर टू आ रहा है। सभी लोग तैयार, सभी लोग तैयार, सभी लोग तैयार। पहले क्वेश्चन में सभी का आंसर सही है, किसी एक आधे ने गलती की है, हमारे बच्चे गलती आराम से करेंगे नहीं, क्योंकि ये वर्ड उनके जहन में फीड हो चुके हैं हमेशा के लिए। रात को 2:30 बजे भी उठाएंगे ना आपको और पूछेंगे बता बेटा स्क्वेंडर का मतलब क्या है, आप बोलेंगे जी वेस्ट करना है, सोने दो यार, वेस्ट ही तो होता है ना। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू, विराट कोहली एक्वायर्ड डैश व्हेन ही हिट हिज 30th सेंचुरी। यहां पर क्या आएगा, टू नंबर टाइप करिए, टू नंबर टाइप करिए, और टू का सही आंसर सबसे पहले कौन देगा देखें जरा, टू का सही आंसर सबसे पहले कौन देने वाला है। नंबर टू टाइप करना जरूरी है, नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। महिमा देवी जी हमारी क्लास को शुरू से करिएगा, सब समझ आएगा। कमॉन गाइस, कमॉन कमॉन, टू का सही आंसर सबसे पहले मुझे मिला है। सोमे आपका गलत है। संजना मिश्रा, सुमित कुमार मेहर, प्रियांशी तोमर, नेहा सहारवत एंड 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 क्यूटीपाई ईशा, ये पांच लोग हैं। फिर निशा सैनी का भी सही है, ये छह लोग, पांच लोग मैं जो पहले बोलता हूं इनका आंसर बिल्कुल सही है। और अगर आपने भी आंसर दिया है दोस्तों, यू आर राइट, आपके 200 में से 200 नंबर हो गए। तीन क्वेश्चन बाकी हैं, लिख लीजिए, 200 में से 200 आपके पास आ गए हैं। अभी पांच में से बताएंगे आप, पांच में से। विराट कोहली को सम्मान मिला जब उसने अपनी 30वीं सेंचुरी मारी, 30वां शतक लगाया, 30th सेंचुरी, व्हेन इट इज 30th सेंचुरी। आपके 200 में से 200। अगला क्वेश्चन आ रहा है, तीन नंबर टाइप करके रेडी हो जाइए, तीन के आगे आपको टाइप करना होगा ए बी सी या डी, जल्दी। तीन नंबर टाइप कर लिया आपने, ये रहा क्वेश्चन नंबर, ये रहा क्वेश्चन नंबर चार। दीज शूज आर मेड फ्रॉम डैश लेदर, ये जूते बने हैं इस लेदर के, कौन से लेदर से। तीन के आगे क्या आएगा ए बी सी डी, जल्दी बता दो। तीन के आगे क्या आएगा बच्चों, जल्दी बता दो। तीन के आगे, तीन के आगे क्या आएगा, ए बी सी या डी। सबका नाम नहीं ले पाएंगे दीपिका जी, सबका नाम नहीं, पहले पांच का आएगा, टेंशन मत लीजिए, किसी का नाम नहीं आया तो हमें मिल रहा है आंसर। सबसे पहला आंसर जो सही है वो मिला है हेमंत कुमार, नंबर टू पे हैं रजनी रजनी, नंबर थ्री पे हैं संजना मिश्रा, नंबर फोर पे हैं अंतिमा दुबे, और नंबर फाइव पे सही आंसर दिया है आसिया जूही ने, आसिया जूही। उसके बाद प्रिंसेस मॉम, निशु, ईशा, रोफी भाटिया आपका स्वागत है, ज्योति सिंह
आप सबके आंसर भी सही हैं, शरणजीत कौर आप तो गलत होती नहीं कभी, काजल आप भी सही हैं, इतने सारे नाम बोल दिया बट पांच बोलने होते हैं मुझे। दिस इज सपल, सपल लैदर, 300 में से आपका स्कोर 300 है तो लिख लीजिए, दो क्वेश्चन बाकी हैं। सपल लैदर यानी कि लचीला लैदर, लिथे लैदर, प्लांट लैदर। नंबर चार, आई मेट डैश ऑन द वे, ही वॉज बेगिंग फ्रॉम एवरी वन, रास्ते में मुझे कौन मिला जो भीख मांग रहा था। चार नंबर के आगे आपको टाइप करना है ए बी सी या डी, चार नंबर के आगे आप क्या टाइप करना चाहेंगे, ए बी सी या डी, चार नंबर के आगे क्या टाइप करेंगे जल्दी बताओ बच्चों, ए बी सी या डी, ए बी सी या डी, चार नंबर के आगे जल्दी बताइए जल्दी, ए बी सी या डी। लो जी सबसे पहला आंसर मुझे मिल रहा है, हेमंत कुमार आप गलत हो गए भाई साहब, आप पहला सही आंसर मिल रहा है संजना मिश्रा, सेकंड मिल रहा है क्यूटी पाई ईशा, फिर रोफी भाटिया हैं, फिर कांता प्रसाद भी आ गए हैं लाइन में, वेरी गुड। सुमित कुमार मेहर आप सही हैं, पूजा कुमारी आप भी सही हैं, रजनी आप भी सही हैं, और उसके बाद कल्पना, संजना, नितिन, जसवंत आप गलत हैं, नितिन सोनी आप भी सही हैं, नाइम अंसारी आप तो गलत होते नहीं भाई साहब, प्रिंसेस आप सही हैं, काजल आप सही हैं। इसका सही आंसर है मेंडिकेंट यानी कि भिखारी, भिखारी तो भीख मांगेगा, इन द मंडी ऑफ कैंट मेंडिकेंट वॉज बेगिंग, है ना। I met a mendicant on the way, he was begging from everyone. जय माता दी, ये हो गए हमारे 400 में से 400। लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, पांच नंबर टाइप करके रख लो, पांच नंबर बच्चों रेडी हो जाओ, टाइप करके रख लो, पांच नंबर, पांच नंबर, पांच नंबर। नेट स्लो हो गया है कुछ बच्चों का, उनका आंसर लेट आता है, कोई बात नहीं, टेंशन मत रखिए, सीखने को बहुत कुछ है। ये रहा पांच नंबर और लास्ट क्वेश्चन, द पुलिस शुड अरेस्ट दिस डैश, पुलिस इनमें से किसे अरेस्ट करेगी जल्दी बताओ। पांच नंबर का सही आंसर सबसे पहले कौन देगा, मैं देख रहा हूं कमेंट में, पांच नंबर का सही आंसर कौन देने वाला है, पांच नंबर, पांच नंबर, पांच नंबर, मिल गया मिल गया मिल गया, पांच नंबर मिला, किसने दिया, चेतन गिढाम ने सबसे पहले आंसर किया है पांच नंबर का, फिर सुष्मिता यादव हैं, सॉरी 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 गलती हो गई, गलती हो गई, मैं अपने वर्ड्स वापस लेता हूं। पांच नंबर का सही आंसर, चेतन आपका गलत है भाई साहब, आपका गलत है, सही आंसर है प्रीति सिंह, प्रीति सिंह, कल्पना मेघवाल, नेहा सहारस्वत, सहारावत शायद मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूं, संजना मिश्रा, कांता प्रसाद, रजनी, रोफी भाटिया, पांच से ज्यादा नंबर बोल रहा हूं मैं, अमृत बैठा, सुदर्शन, प्रियांशी तोमर, सुमित कुमार मेहर, निशु 5697, प्रिंसेस, रोमल आप गलत हो गए भाई साहब, असिया जूही, जूली कुमारी, क्यूटी पाई ईशा, नाउ इट्स श्रोभित, आप सबके आंसर सही हैं। दिस इज हुलिगन, पुलिस बदमाश को ही तो अरेस्ट करेगी ना, मेंडिकेंट को क्यों करेगी भाई, सेंटिमोनियस को क्यों करेगी, लोकेशियस को क्यों करेगी, लोकेशियस तो बातों नहीं होता है, पुलिस क्यों करेगी, ठीक है। अगर आप बोलेंगे सेंटिमोनियस तो हम बोलेंगे सबूत लेकर आओ, पाखंडी को क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, बट बदमाश को तो करना पड़ेगा, है ना। हम आपसे पूछते हैं व्हाट इज योर स्कोर, टाइप कीजिए 500 में से 500 किसके हैं जल्दी बताइए, 500 में से 500, 100 नंबर का एक क्वेश्चन था, जल्दी टाइप करिए बच्चों, 500 में से 500 किस किसके हैं, किस किसके हैं 500 में से 500। ठीक है जी, विशु यादव अगली बार आपको चांस मिलेगा, पहले नंबर का क्वेश्चन, बट अपना 500 में से स्कोर बताइए। आयुषी कह रही है 400, शरणजीत कौर 500, संजीव कुमार सिंह 500, अमृत बैठा 400, प्रियांशी तोमर 500, प्रिंस राठौर 500, सेल्फ कॉन्फिडेंस 500, रोफी भाटिया 500, अंशु कुमार रजक 500, शिवा 300। तो आप देख लीजिए, अब एक काम करना है आपको, जब ये क्लास खत्म हो जाएगी ना, अभी क्लास खत्म नहीं हो रही, अभी कुछ और करा रहा हूं, जब ये क्लास खत्म हो जाएगी आधे घंटे बाद इसी वीडियो पे आके कमेंट में करना माय स्कोर इज दिस एंड आई एम फ्रॉम, आप अपना नाम तो उसमें आ ही जाएगा, आप लिखिएगा आई एम फ्रॉम कहां से है, चंडीगढ़, पटना, जगह बताना, एंड माय स्कोर इज इतना, ये कर देना बस। क्या क्लास खत्म होने के बाद आधे घंटे बाद कमेंट में जाना, अपना नाम लिखने की जरूरत नहीं है, नाम तो आ ही जाएगा ऑटोमेटिकली कमेंट्स में, वहां लिखना आई एम फ्रॉम
कौन सी जगह से हैं, दिल्ली से हैं, रोहतक से हैं, पटना से हैं, कहां से हैं वो, एंड माय स्कोर इज 500, 400, 300, 200, 100, जो भी होगा मैं देखना चाहता हूं तसल्ली से। रात को मैं बैठ के देखूंगा कि आपका स्कोर क्या है। जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे वो भी जरूर टाइप करके बताएंगे इसमें, ठीक है। अब हम आते हैं अगले पड़ाव पर, सिनोनिम्स पर। कल हमने आपको सिनोनिम्स कराए थे विचार करना के, आज हम आपको सिनोनिम्स कराने वाले हैं एक और सिनोनिम्स। तो आशा करते हैं आपको इस क्लास में बहुत फायदा हो रहा होगा, मजा आ रहा होगा, पूरी एनर्जी बरकरार रखिएगा। मैं आपके साथ जुड़ा हूं वर्ड्स कराने के लिए, आज हमारी सेकंड क्लास है। गेट रेडी गाइस, गेट रेडी। और आज हम सिनोनिम कराएंगे आपको चीटिंग के। लिख लो चीट, लिख दो धोखा देना, लिख दो हिंदी में, इंग्लिश में लिख दो चीट। मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूं, एक पिक्चर दिखाकर मैं आपको कितने वर्ड याद कराता हूं, आइए देखते हैं। देखिए जी, हम यहीं से दिल्ली से हैं जी, हमसे पूछ रहे हैं आप कहां से हो। मैं न्यूजीलैंड में था पहले, अब मैं दिल्ली में ही हूं, दिल्ली जन्म हुआ है, दिल्ली में ही है अभी, ठीक है। अभी नहीं बताना आप आसाम से हैं, कहां से हैं, आधे घंटे बाद बताइएगा, ठीक है जी। तो चीटिंग के लिए मैं एक पिक्चर दिखा रहा हूं ना, स्टॉप कमेंटिंग, कमेंट्स क्लोज कर दो अभी, अभी कमेंट नहीं करना है, सिर्फ देखिए और सुनिए। ये देखिए, ये है अफरीदी, पाकिस्तानी प्लेयर अफरीदी। ये है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा के पूर्व चीफ मिनिस्टर हुड्डा। ये है अफरीदी, ये है हुड्डा, और ये है मेरा कजन, ये है मेरा कजन, चाचा मामे के लड़के को कजन कहते हैं। तीनों को देख लो, पाकिस्तानी प्लेयर है अफरीदी, हुड्डा हरियाणा के पूर्व सीएम है, और ये मेरा बड़ा प्यारा कजन है, चाचे मामे मौसी बुआ के लड़के को कजन कहते हैं, कजन है। तो ये क्या कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, देखो जी ये खा रहे हैं चिकन, लड्डू और मिल्क। इनके सामने क्या पड़ा है अच्छी तरह देख लो, चिकन लड्डू और मिल्क, देख लिया, चिकन लड्डू और मिल्क, चिकन लड्डू और मिल्क, वेरी गुड। और आप इनके पीछे एक बिजली की दुकान, क्या है इनके पीछे एक बिजली की दुकान, यहां पर देखिए एक ना सूरज, बहुत बहुत गर्मी है, सूरज धूप आ रही है, सन इज शाइनिंग, धूप आ रही है, और ये विंड, हवा चल रही है बहुत तेज, सारे पत्ते थे पेड़ के झड़ गए, विंड चल रही है, विंड। क्या देखा आपने, हुड्डा अफरीदी और कजन, चिकन लड्डू और मिल्क इनके सामने, मिल्क इनके सामने पड़ा है, पीछे बिजली की दुकान है, यहां पर धूप आ रही है धूप, और यहां पर विंड चल रही है, हवा, हवा को विंड कहते हैं, आपको पता है। ये पिक्चर देख लो आपको 9 वर्ड्स याद हो जाएंगे, ये पिक्चर अच्छी तरह देख लो बच्चों आपको 9 वर्ड्स याद हो जाएंगे, 9 वर्ड्स याद हो जाएंगे। कैसे देखिए, अभी लिखना मत, इकट्ठा लिखवाऊंगा। ये देखिए जी, अफरीदी से बना परफिडी, हुड्डा से बना हुडविंग, कजन से बना कोजन, सबका मीनिंग है धोखा देना, चिकन से चिकनरी, मिल्क से बिल्क, और लड्डू से डिल्यूड, दे लड्डू पे लड्डू खा रहे थे, डिल्यूड, लड्डू से डिल्यूड, बिजली की शॉप है पीछे एम्बेजल, धूप आ रही थी, ड्यूप से बना ड्यूप, विंड से बना स्विंडल। सो दीज आर 9 वर्ड्स, सबका मीनिंग है चीटिंग। नोट करिए 9 वर्ड्स, स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो चीटिंग। अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, मेरी पिक्चर अच्छी आनी चाहिए, पहले बता रहा हूं, फोटो अच्छी आनी चाहिए। कम ऑन, यस, ले लिया, यस, डन, यस। तो चीटिंग के लिए ये 9 वर्ड्स आपको आ चुके हैं। कोई आपसे पूछे चीटिंग के कितने सिनोनिम्स आते हैं, भाई साहब 9 वर्ड्स बता देना, ये ठीक है जी। अनन्या पॉलिटिकल नोट्स बाद में ले लेंगे, अभी ये तो देख लो, डन जी। अफरीदी, हुड्डा, कजन, मिल्क, चिकन से याद हुआ और लड्डू से, बिजली की दुकान एमएसएल, धूप आ रही है ड्यूप, विंड चल रही है स्विंडल, 9 वर्ड्स, सबका मीनिंग क्या है चीटिंग। डन। तो आपको बताना चाहेंगे हमारी जो ऐप है ओजांग एडू ऐप, उस पर हमारा ग्रामर का कोर्स भी शुरू हो चुका है, रात को 9:30 बजे
रात को 9:30 बजे ग्रामर का कोर्स, वोकेबलरी के 2 कोर्सेज हैं उस पर, और बाकी बहुत कुछ आ रहा है उस पर जरूर आइएगा। और अब हम मिलेंगे कल शाम को 8:30 बजे, हम यहां पर इकट्ठे होंगे सभी एक साथ, लॉग ऑन एंड सीधा खटैक। कहां मिलेंगे? इसी चैनल पर शाम को 8:30 बजे अगले वर्ड अगले सिनोनिम करने के लिए। गेट रेडी, बढ़िया सा रजिस्टर और पेन लेकर आइएगा, हम आगे बढ़ेंगे। और अभी जल्दी जल्दी आपको क्या करना है, आपको क्लास खत्म होने के 20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद यहां पर कमेंट में आकर अपना नाम, आप कहां से हैं, बिलोंग करते हैं कौन सी जगह से वो, और आपका स्कोर 500 में से कितना रहा ये। जिन लोगों ने आज हमें लेट ज्वाइन किया है वो शुरू से इस क्लास को देख सकते हैं, और कल वाली क्लास अगर मिस की थी तो जरूर देखिएगा, कल पहली क्लास थी, आज दूसरी क्लास है। आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो, यहां पर हमारे फोन नंबर चल रहे हैं, आप इन पे अपनी कॉल करके अपनी क्वेरी ले सकते हैं। आपको हमारी क्लास कैसे लगी कमेंट में जब आप ये सब लिखेंगे ना, अपना नाम, अपना सिटी का नाम, अपना स्कोर, और एक लाइन में बता सकते हैं आपको हमारी क्लास कैसी लगी। बुरी लगी तो हम और मेहनत करेंगे, अच्छी लगी तो भी और मेहनत करेंगे, ठीक है जी। तो कल आपने किए थे थिंक ओवर के सिनोनिम्स, आज आपने किए हैं चीटिंग के सिनोनिम्स, और आशा करते हैं आपको इस क्लास का पक्का फायदा हो रहा होगा। बाकी करेंगे कल एक ब्रेक के बाद, 9:30 बजे हमारी ग्रामर की क्लास है, जो है हमारे ग्रामर के बच्चे इकट्ठे हुए हैं, प्लीज पहुंच जाइए, रेडी हो जाइए, हम शुरू करने वाले हैं अपनी क्लास 9:30 बजे। टिल देन गुड बाय, समय हो गया है, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय, टेक केयर, शबक है, स्वीट ड्रीम्स, हैप्पी लर्निंग, एंड द टाइम टू से जाते हुए क्या बोलते हैं, ठिंग ठिंग, चिड़िंग, बाय बाय, टेक केयर।